की। सिरिल की ओर से जारी की गई राइस रोटी इंडेक्स के मुताबिक पिछले एक महीने में शाकाहारी थाली की कीमत 9% तक बढ़ गई है, जबकि दूसरी ओर नॉनवेज थाली की कीमत 7% तक गिरी है। यानी एक ओर वेज थाली की कीमतें बढ़ी हैं तो दूसरी तरफ नॉनवेज थाली की कीमतें घट गई हैं। इसी को लेकर दिल्ली संवाददाता शिवांग मिश्रा ने एक रेस्टोरेंट का जायजा लिया। देश में लगातार सब्जियों की महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, उसके बाद अब ये हो रहा है कि जो वेज थाली है उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है और नॉनवेज थाली की कीमत उसके मुकाबले घट रही है। अब जैसे आपको हम लोग दिखाते हैं, ये हम लोग इस वक्त दिल्ली के अलनवाज रेस्टोरेंट में हैं और ये वेज थाली है। अब इसमें आप देखिए, इसके अंदर पनीर भी है, दाल मखनी भी है, खीर भी है, रायता भी है, चावल भी है और उसके बाद ये तंदूरी रोटी है। इसकी कीमत इस वक्त 300 रुपये है बिना GST के, और अब से कुछ महीने पहले इसकी कीमत अराउंड 220 रुपये के आसपास थी, यानी 80 रुपये का इसमें इजाफा हुआ है। अब ये आप देखिए, यहाँ पर यहाँ से हम लोग सीधे आते हैं नॉनवेज थाली पर। ये आप देखिए खमीरी रोटी, मटन, चिकन, उसके बाद ये बिरयानी, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं खीर, रायता, और उसके बाद ये सब अचार और सैलेड है। इसकी कीमत इस वक्त 500 रुपये है और कुछ महीने पहले इसकी कीमत 450 रुपये थी, यानी इसमें जो बढ़ोतरी हुई वो हुई सिर्फ 50 रुपये की, लेकिन इसके अंदर जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 80 रुपये और उससे भी कई जगह उससे भी ज़्यादा की। तो ये हालत है भारत में जहाँ पर सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा अगर उसके मुकाबले देखें तो चाहे चिकन हो चाहे मटन हो, उसके दाम कंपेरेटिवली लगातार सब्जियों के मुकाबले लगातार घट रहे हैं, जिसकी वजह से अब हालत ये होने को आ चली है कि नॉनवेज और वेज थाली में ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। कैमरा पर्सन प्रमोद पराशर के साथ शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।